सो वेलकम भाई लोग, आज मैं आपको एक नया इंट्रो बनाना सिखाऊंगा। तो आप लोग करना क्या है, सबसे पहले अपना पिक्सल ऐप ओपन कीजिए एंड यहां से इस चीज़ को कर दीजिए डिलीट। ओके, तो डिलीट हो गया, क्लियर बैकग्राउंड मिल चुका हमें। तो हम यहां पर अभी प्लस के आइकन पर क्लिक करके एक नया टेक्स्ट क्रिएट करेंगे गाइस। तो यहां पर हम लिखेंगे अपना जो भी हमारे नाम है चैनल का, वो लिख देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अमर गेमिंग, यहाँ पर हमने टाइप कर लिया है, डन करेंगे। सिंपल सा इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देंगे। इसके बाद गाइज हमको फॉन्ट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम जाएंगे फॉन्ट पे क्लिक किया, माय फॉन्ट। तो यहाँ पर आपको जो भी पसंद हो आप लोग अपना लिख सकते हो। तो अभी मुझे जो अच्छा लग रहा है मैं वो टाइप करूँगा इधर से। तो देखो हमने यहाँ पर फॉन्ट सेलेक्ट कर लिया है और इधर से हम इस चीज़ को लेंगे। तो ये वाला बहुत अच्छा लगता है हमें, तो हमने इसको कर दिया सेट। और इसको हम कर देंगे, इसका जो स्टाइल होता है इसको थोड़ा सा बेंड कर देंगे, ठीक है। तो बेंड कर लिए, इसके बाद हमें स्पेसिंग करना है। तो मतलब जो एक एक लेटर का गैप होता है उसको हम थोड़ा बड़ा कर देंगे। तो बड़ा हो चुका है, इसके बाद इसको अपन सेट कर लेंगे। एंड इसके बाद आपको स्ट्रोक पे क्लिक करना है, सिंपल सा। एंड आपको जो भी चाहिए वो आप लगा सकते हो। तो मुझे सिंपल सा ये कलर पसंद है, तो हमने इसको लगा दिया यहाँ से सिंपल सा। एंड इसका जो स्ट्रोक विड्थ है उसको थोड़ा सा कम कर देंगे। ओके, इसके बाद हम सिंपल सा क्लिक करेंगे अपन लोग राइट पे, और इसके बाद द शैडो इसको इनेबल कर देंगे बस सिंपल। इसके बाद कलर पे जाएंगे गाइज। सो आपको जो भी कलर चाहिए आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर कलर सेलेक्ट कर लिया है ये वाला। एंड सिंपल इसके बाद आपको सिंपल सा क्लिक करना है और चौथे वाले ऑप्शन पे, एंड ट्रांसपेरेंट हो गया। बस आपका जो नेम है वो बन चुका है और इसको आपको कर देना है सिंपल सा सेव। एंड सेव करने के बाद आपको चले जाना अपने काइंड मास्टर ऐप में। ओके, तो अभी हम ओपन करेंगे अपना काइंड मास्टर ऐप। यहाँ पर हमने ओपन कर लिया, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, 16:9 स्क्रीन रेशियो लेंगे। एंड इसके बाद आपको मीडिया पर क्लिक करके ये वाला वीडियो लेना है। ये वीडियो मैं आपको वीडियो के लास्ट में दे दूँगा। तो हमने ये वीडियो ले लिया है, और इसके बाद आप ध्यान से देखो कि आपको यहाँ पर जाके पॉज करना है, ठीक है। सिंपल सा ध्यान से देखो, हमने यहाँ पर पॉज कर लिया है ये यहाँ पर, ठीक है, या इससे थोड़ा सा पहले यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर पॉज कर लिया। इसके बाद आपको लेयर पे फिर से क्लिक करना है एंड जो हमने टेक्स्ट लिखा था वो ले लेना है, ठीक है। तो हमने ले लिया है, और आपको यहाँ पर इसको कुछ इस तरह से सेट करना है। आप लोग थोड़ा सा आगे ले जा करके यहाँ पर ऐसे कुछ सेट कर लो। ओके, तो यहाँ पर सिंपल सा ये सेट हो चुका है। सो गाइज, हमने यहाँ पर एक गलती करी है कि इस इंट्रो हमने लेंस फायर का यूज़ नहीं करा, मतलब मैं भूल गया रिकॉर्ड करते समय। तो आप लोग इसको यूज़ कर लेना, आप लोग को ओवरले पे क्लिक करोगे वहाँ पर आपको मिल जाएगा लेंस फायर। तो आप यूज़ कर लेना, उससे काफ़ी यूनिक दिखता है इंट्रो, ठीक है। और सिंपल सा इसको पूरा आप अच्छी तरीके से सेट करने के बाद जहाँ पर आपको सेट करना है, और इसके लेंथ को आप लोग पूरा बढ़ा देना, ठीक है। एंड इसके बाद आपको फिर से इस पर टच करके नीचे स्क्रॉल करना है, ब्लेंडिंग पे ऑप्शन पे क्लिक करके और हार्ड लाइट पे क्लिक कर देना है, जिससे ये ब्लेंड हो जाएगा, ठीक है। आप देखो बिल्कुल ये मर्ज हो चुका है। और इसके बाद आपको फिर से वापस वहीं पे आना है एंड थोड़ा सा आगे हो करके, मतलब ये जो है ना इसको छुपा देना, यहाँ पर आपको आ जाना है। ओके, ये जो चिड़िया आ रही है इसको छुपा देना है, ठीक है। और उसके बाद आपको सिंपल सा लेयर पर क्लिक करके एंड आपको ये आपको ये चीज़ ले लेनी है। आप लोग इसको कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो, मिल जाएगा सिंपल सा, ये PNG है। और इसको यहाँ पर ऐसे कुछ सेट करना है, ठीक है, इसको मतलब छुपा देना है, ठीक है। एंड इसके बाद देखो साइड में आप चाबी दिख रहा है, चाबी पे क्लिक करो एंड फिर इसको थोड़ा सा आगे ले जाओ यहाँ पर, जहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लेकर जाओ एंड फिर इसको स्क्रोल करके इधर छुपा दो, ठीक है। बस गाइज हो गया सिंपल सा, इसको छुपाने के बाद आपका इंट्रो बन तैयार है। एंड इसके बाद आपको वो चीज़ करनी है, लगाना आपको लेंस फायर, बट हमने उसको यूज नहीं करा, मैं भूल गया था, आप लोग यूज कर लेना, ठीक है। तो मैं प्ले करके दिखा, देखो सो गाइज हमारा लोगो जो है, सॉरी इंट्रो जो है बन के तैयार हो चुका है। एंड इसके बाद आपको जैसे मर्जी जिस भी आपको क्वालिटी पे चाहिए आप उसको एक्सपोर्ट कर लो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना। आपको जो ये बैकग्राउंड चाहिए वीडियो का, ये आपको हमारे इस वीडियो के लास्ट में मैं दे दूंगा, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से इसको ले लेना स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके, या फिर जैसे मर्जी उसको ले करके आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसको आप सेव कर लो। तो ओके, मिलते हैं नई वीडियो पर, तब तक लिए बाय बाय, थैंक यू।